हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फुटबॉल एनालिस्ट। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ लिवरपूल और फुलम के बीच होने वाली इंग्लिश प्रीमियर लीग की मैच। दोस्तों, आपको इस वीडियो में बेस्ट ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, प्लेयर स्टैट्स, इन्फॉर्मेशन और टीम न्यूज़ सभी की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस वीडियो में। आपको क्या करना है, ध्यान से इस वीडियो को सुनना है और जो भी बताया जाएगा उस हिसाब से आपको अपने टीम्स बनाने हैं, प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं और मैं 100% गारंटी देता हूँ आप अपनी एक विनिंग टीम बना पाओगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं लिवरपूल और फुलम के बीच में ये होने वाली जो इंग्लिश प्रीमियर लीग की मैच है ये कहाँ होने वाली है। तो दोस्तों, ये खेला जाएगा एनफील्ड पे। ये आज शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा जो कि लिवरपूल का होम ग्राउंड है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आपको इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप लोग विन कर रहे हो और आपको ये अगर पसंद आ रहा है, थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इसको प्लीज़ शेयर करो, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मुझे सपोर्ट करो, तो मैं आपके लिए और वीडियोज़ बनाते जाऊँ, आपको और इन्फॉर्मेशन देते जाऊँ कि आप अपनी ग्रैंड लीग विनिंग टीम्स या स्मॉल लीग विनिंग टीम्स कैसे बनाएँ। तो दोस्तों, ये है लिवरपूल का फॉर्मेशन आज के लिए। आज का प्रेडिक्टेड फॉर्मेशन जो है लिवरपूल का वो कुछ इस तरह से है। लिवरपूल खेलेगी, वो खेलेगी एक 4-3-3 के फॉर्मेशन में जो कि एक अटैकिंग फॉर्मेशन है, जो कि 6 अटैकिंग प्लेयर्स रहेंगे और 4 डिफेंसिव, और उनमें से उन 4 डिफेंसिव में से भी 2 प्लेयर ऐसे हैं जो आगे पीछे भागते जाएंगे, ऊपर नीचे करते जाएंगे और उनका नाम है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड और रॉबर्टसन। तो दोस्तों, एलिसन रहेंगे गोल में, आर्नल्ड और रॉबर्टसन फ्लैंक्स पे रहेंगे, सेंट्रल डिफेंसिव पार्टनरशिप जो रहेगी वो फेबिनियो और फिलिप्स की रहेगी, वाइनाल्डम, किएटा और जोन्स इन तीनों की मिडफील्ड पार्टनरशिप रहेगी और अप फ्रंट खेलेंगे मोसाला, फर्मिनियो और माने। ठीक है दोस्तों, तो अब लिवरपूल सेवन पोजीशन पर है, आप देख रहे हो, तो लिवरपूल सेवन पोजीशन पर है, 27 गेम्स खेल चुके हैं, 12 विंस कर चुके हैं, 7 ड्रॉस कर चुके हैं, 8 लॉसेस हैं उनके, गोल डिफरेंस इनका 12 है और पॉइंट्स इनके 43 है। अब ओजन कबाक, जो गोमेज, हेंडरसन, वर्जिल वैन डाइक, जोएल मैटिप, ये सब इंजर्ड है तो ये सब नहीं खेलेंगे दोस्तों। नैट फिलिप्स डाउटफुल है पर इनके खेलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब लास्ट 5 मैचेस लिवरपूल के दोस्तों देखो, लिवरपूल ने रिसेंटली चेल्सी के सामने हारा है 1-0 के स्कोर से, शेफील्ड यूनाइटेड को उन्होंने 2-0 से हराया, लेकिन एवर्टन से वो फिर हार गए, वो भी अपने होम ग्राउंड पे, लेस्टर के सामने अवे हारे हैं 3-1 और होम ग्राउंड पे मैनचेस्टर सिटी के सामने हारे हैं 4-1। तो लिवरपूल का फॉर्म इस समय काफ़ी कुछ अच्छा नहीं है अगर आप देख रहे हो तो। अब फुलम की फॉर्मेशन दोस्तों, फुलम जो खेलेगी वो प्रेडिक्टेड 4-4-2 के फॉर्मेशन में खेलेगी, जो कि आरियोला गोल में रहेंगे, ओला आइना, एंडरसन, अडाराबियो और रॉबिन्सन ये डिफेंस में रहेंगे, कावालेरो, लेमिना, रीड, हैरिसन रीड और रूबन लॉफ्टस चीक ये मिडफील्ड में खेलेंगे, माया और लुकमैन सेंट्रल फॉरवर्ड्स में खेलेंगे। तो 4-4-2 ये एक मॉडरेट फॉर्मेशन है, जो एक कॉम्बिनेशन है इस फॉर्मेशन का कि ये डिफेंसिव भी है और ऑफेंसिव भी है। अब फुलम 18th पोजीशन पर है, 27 गेम्स खेल चुके हैं, 4 विन्स हैं इनके, लॉसेस 11 है और ड्रॉज 11 है और लॉसेस 12 है, इनका गोल डिफरेंस -12 है, पॉइंट्स इन्होंने 23 कलेक्ट किए हैं 27 गेम्स में, जो कि एक अच्छा रिकॉर्ड नहीं है और इसी वजह से वो फ़िलहाल 18th पोजीशन में रिलेगेशन बैटल फाइट कर रही है। तो अगर उनको रिलेगेशन जोन से निकलना है तो उनको एकदम ही टफ़ खेलना पड़ेगा, और पिछली तरह जैसे कि अपने होम ग्राउंड पे उन्होंने लिवरपूल को एकदम टफ़ दिया था, उसी तरह से उनको आज खेलना होगा।
टॉम कैरनी उनके लिए इंजर्ड है और मारेक रोडक इंजर्ड है। इनके लास्ट 5 मैचेस में फुलम ने टॉटनहम के सामने अपने होम ग्राउंड पे गेम हार चुके हैं, क्रिस्टल पैलेस के साथ ड्रॉ किया है, शेफील्ड यूनाइटेड को हराया है, बर्नली के साथ ड्रॉ किया है अवे, एवर्टन को अवे हराया है। तो ये जो बड़ी टीम है फुलम, उनके सामने दिल खोल के खेल रही है, बिंदास खेल रही है। तो इसी के वजह से शायद आज लिवरपूल के सामने भी उसी स्पिरिट में अगर वो खेल ले तो शायद एक रिजल्ट उनके फेवर में आ जाए। तो ये देखते हैं दोस्तों अब लिवरपूल के गोल स्कोरर्स कौन है। लिवरपूल के गोल स्कोरर्स मो साला ने 17 गोल्स किए हैं, माने ने 7 किया है, फर्मिनियो ने 6 गोल्स किए हैं, फर्मिनियो ने 5 असिस्ट दिए हैं, रॉबर्टसन ने 5 असिस्ट दिए हैं, मो साला ने 3 असिस्ट दिए हैं। अब इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स इनके लिए जो है मो साला है, फर्मिनियो है, कर्टिस जोन्स है जो कि एक पंट पिक हो सकते हैं आपके लिए, माने एक अच्छे प्लेयर है, आर्नोल्ड और रॉबर्टसन भी एक अच्छे प्लेयर है। अगर डिएगो जोटा कर्टिस जोन्स के जगह पर खेलते हैं तो वो भी एक अच्छा पंट पिक हो सकता है। मो साला और मिलनर इनके डेजिग्नेटेड पेनल्टी टेकर्स हैं, जो कि मो साला फर्स्ट चॉइस है और मिलनर सेकेंड चॉइस है, लेकिन मिलनर शायद ही खेलेंगे, वो सब्स के रूप में रहेंगे। अब इनके फ्री किक टेकर्स जो कॉर्नर्स और पेनल्टी किक्स हैं, सॉरी फ्री किक्स और कॉर्नर्स हैं, वो रॉबर्टसन, आर्नल्ड और मो साला लेंगे। ज़्यादा करके तो राउंड अबाउट डी के लाइन पे जो रहता है तो मो साला वो ले लेता है, नहीं तो रॉबर्टसन या आर्नल्ड जो फ्लैंक पे वो फ्री किक है उस अपने साइड से उन लोग ले लेते हैं। अब एरियल थ्रेट्स जो कि गोल स्कोर सकते हैं हेडर्स से, वर्जिल वैन डाइक है, फर्मिनियो है, मैटिप है। अब इन तीनों में से दो तो आउट हैं, तो फर्मिनियो का चांस अच्छा है हेडर के साथ गोल स्कोर करने का। अब फुलम के गोल स्कोरर्स दोस्तों देखते हैं। फुलम के गोल स्कोरर्स बॉबी रीड है, उन्होंने 5 गोल्स किए हैं, लुकमैन ने 4 गोल्स किए हैं, कैवलेरो ने 3 गोल्स किया है। इनके असिस्ट प्रोवाइडर मिट्रोविच, जो कि पिछले साल चैम्पियनशिप में उन्होंने बहुत ही अच्छा फॉर्म दिखाया था और उन्हीं के वजह से फुलम लीग में क्वालिफाई हुई थी, लेकिन उनका इस साल फॉर्म, उनका उनकी इंजरीज और उनका टेम्परमेंट की वजह से उनको बाहर रखा गया है, उनको ज़्यादा स्टार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन वो अगर खेलेंगे या सेकेंड हाफ में अगर आ जाए तो शायद ही एक गेम चेंजर हो सकते हैं। लुकमैन ने भी 3 असिस्ट दिया है, एंगुसा ने 3 असिस्ट दिया है, एंगुसा भी काफ़ी अच्छे डिफेंसिव मिडफील्डर है। अब फुलम के इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स जो है वो लुकमैन है, जोश माया है जो कि सेंट्रल स्ट्राइकर रहेंगे, कैवलेरो है, ओला इना डिफेंस से है, और एंडरसन भी उनके अच्छे सेंट्रल डिफेंडर है। अब दोस्तों पेनल्टीज टेकर्स देखिए, पेनल्टी टेकर्स में मिट्रोविच है, लुकमैन है और कैवलेरो है। कैवलेरो ने हालांकि एक मिस किया है, तो मुझे लगता है ज़्यादा करके अब लुकमैन ही पेनल्टी लेंगे। फ्री किक्स और कॉर्नर्स भी लुकमैन, हैरिसन रीड और कैवलेरो लेते हैं। हैरिसन रीड एक अच्छे डिफेंसिव मिडफील्डर भी है, तो डिफेंसिव पॉइंट्स भी दिला सकते हैं। एरियल थ्रेट्स में मिट्रोविच अच्छे हेडर्स स्कोर करते हैं, अराराबियो है, तो इन दोनों में से आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन मिट्रोविच तो ज़्यादा करके नहीं खेलने वाले हैं। अब दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, लास्ट 3 हेड टू हेड्स में देखो दोस्तों, फुलम ने एक ड्रॉ किया है लिवरपूल के साथ जो कि रीसेंट सीजन का है। फुलम अपने होम ग्राउंड पे लिवरपूल के साथ हारी हुई है और लिवरपूल के होम ग्राउंड पे भी वो हार चुकी है 2-0 से, लेकिन आप अगर देखते हो 2-0 से 2-1, 2-1 से 1-1, शायद ये बार फुलम 1-0 से जीत जाए, भूल नहीं सकते। अब थोड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, लिवरपूल लगातार 5 गेम हार चुकी है अपने होम ग्राउंड पे। उन्होंने और फुलम ने 7 अवे में से 6 तो ड्रॉ कर दिए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये मैच, शायद ही 1-0, 1-0 के रेंज में होगा, या तो लिवरपूल दे धड़ाधड़ मारेगी। अब लिवरपूल ने अपने पिछले 6 होम गेम्स में, दोस्तों ये पॉइंट ध्यान से पढ़ो, पिछले 6 होम गेम में उन्होंने सिर्फ 1 गोल स्कोर किया है मैनचेस्टर सिटी के सामने, वो भी वो 4-1 हारी हुई है। लिवरपूल ने एक ही गेम हारा है, 23 होम गेम्स खेले हैं फुलम के साथ, एक गेम हारी है आज तक।
शायद आज का दूसरा हो जाए। मैं मैन यूनाइटेड का फ़ैन हूँ तो चाहूँगा ज़रूर वो हार जाए। फुलम ने 11 गेम्स 14 में से स्कोर नहीं किया है लिवरपूल के सामने, यानी कि लिवरपूल ने 11 गेम्स में क्लीन शीट रखी है, लेकिन आज मैं चाहता हूँ लिवरपूल हार जाए। लिवरपूल्स के फैन सॉरी। तो इसी के साथ दोस्तों, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन भूल गया, दो मिनट। कैप्टन वाइस कैप्टन आप देखो, लिवरपूल से अगर आपको लेना है तो मो साला है, सादियो माने है, रॉबर्टो फर्मिनियो है, आर्नल्ड है, रॉबर्टसन है, डिएगो जोटा है। फुलम के लिए लुकमैन है, जोश माया है, कैवेलेरियो है, ओला आइना है, बॉबी रीड पंट पिक, डिएगो जोटा पंट पिक। तो इसी के साथ दोस्तों हम स्कोर लाइन पे जाते हैं। प्रेडिक्टेड स्कोर लाइन जो है मेरी तरफ से दोस्तों, होम विन है फर्स्ट 2-0, होम विन है 2-1, ड्रॉ हो सकता है 1-0, एक सरप्राइजिंग अवे विन 1-0, या रीसेंट फॉर्म के हिसाब से 0-0 का भी चांस है। तो दोस्तों इन 5 स्कोर लाइन्स पे आप अगर अपनी टीम बनाते हो तो काफ़ी है, आपको सिर्फ अपने प्लेयर्स रोटेट करने हैं और एक शानदार टीम बनानी है। तो मेरी तरफ से फ़िलहाल के लिए तो एलिसन बेकर गोल में, ओला आइना, अडारबियो, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, फेबिनो और रॉबर्टसन, ये मेरे डिफेंसिव प्लेयर्स हैं। लुकमैन, एंग्विसा और सादियो माने ये मेरे मिडफील्डर्स हैं। फर्मिनियो और मोसाला मेरे फॉरवर्ड्स हैं। अब मोसाला मेरे कैप्टन हैं और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे इस टीम के लिए। मैं एक लिवरपूल विन की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन सरप्राइज एलिमेंट फुलम 1-0 हो सकता है। तो दोस्तों फाइनल टीम के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल में ज़रूर विजिट कीजिएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।